जॉन इब्राहिम और इमरान हाशमी की फिल्म मुंबई सागर ने सिनेमाघरों में एक हफ्ते का सफर पूरा कर लिया है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 13 करोड़ से अधिक कलेक्शन किया है। फिल्म की रिलीज की घोषणा और सिनेमाघरों में आने के बीच कोरोना वायरस के बदले हुए हालात का असर इसके कलेक्शन पर साफ नजर आता है। हिंदी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे अधिक महाराष्ट्र में प्रभावित हुए हैं, जो एक बड़ा बाजार है, खासकर मुंबई कलेक्शंस के लिहाज से काफी कम है। मुंबई सागा 19 मार्च को रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 2.82 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके बाद ओपनिंग वीकेंड के बाकी दिनों शनिवार और रविवार को 2.40 करोड़ और 3.52 करोड़ जुटाए। सोमवार और मंगलवार को फिल्म ने 1.49 करोड़ और 1.47 करोड़ जमा किए। वहीं बुधवार और गुरुवार को कलेक्शन 1 करोड़ से भी नीचे चले गए और क्रमश 90 लाख और 43 लाख ही जुटा सकी। इस तरह रिलीज के 7 दिनों में मुंबई सागा 13.43 करोड़ जमा कर चुकी है। मुंबई सागा को संजय गुप्ता ने निर्देशित किया है। इस पुलिस गैंगस्टर ड्रामा में जॉन और इमरान पहली बार आमने सामने आए। फिल्म में सुनील शेट्टी, गुलशन ग्रोवर, रोहित रॉय, काजल अग्रवाल, अमोल गुप्ते, महेश मांजरेकर, अंजना सुखानी, प्रतीक बब्बर ने भी अहम किरदार निभाए हैं। इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़, और डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।